नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 का चुनावी बिगुल तो बच चुका है, वहीं सियासत हर जगह से अब और ज्यादा गर्माती चली जा रही है। जी, आपको बता दें कि लोकसभा के इस बड़े टूर्नामेंट में यहाँ पर सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने में लगी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी जो फिलहाल सत्ता में है एक बार फिर सत्ता बनाने की तैयारी कर रही है। बड़ी बात यह है कि कई बड़े सांसदों का पत्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने काटा है और फूंक फूंक कर कदम रख रही है बीजेपी। कहीं पर अपने उम्मीदवार कम उतार रही है तो कहीं पर अपने उम्मीदवारों को पुख्ता तौर पर सामने पेश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही रंग उन्हें 2019 लोकसभा चुनावों में जीत दिला सकता है, ऐसा सोचना है पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह का। ऐसे में आपको बता दें कि बीती शाम भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हुई, जिसमें कुल मिला के 5 राज्यों के 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई, जिसमें मुख्य रूप से पूरी सीट पर इस बार संबित पात्रा को टिकट दिया गया है। जी हाँ, संबित पात्रा, जिनको हमने न्यूज चैनल्स में कई डिबेट्स में देखा था, राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्हें बनाया गया था साल 2014 में, और एक बार फिर संबित पात्रा ने पूरी तरह से पूरी की सीट को अपने हाथों में कब्जा लिया है। बड़ी बात यह है कि 1952 के बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी भी पूरी की सीट में जीत दर्ज नहीं कर सकी है। ऐसे में संबित पात्रा के यहाँ से खड़े होने में पूरी तरीके से बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि एनडीए भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो उड़ीसा की पूरी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लड़ने की भी चर्चा थी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी उन इलाकों में जीत दर्ज करना चाहती है जहाँ पर उन्हें जीत अभी तक नसीब नहीं हुई है। इतिहास पलटने की बारी है। कहीं पर शाहनवाज हुसैन का पत्ता काटा गया तो कहीं गांधीनगर से लाल कृष्ण आडवाणी का पत्ता काटा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक अलग किस्म की राजनीति सामने ला रही है। पहले तो हम अंदाजा ही लगा रहे थे कि भैया वो हारे हुए प्रवक्ताओं को टिकट नहीं देंगे, लेकिन अब तो जीते हुए जो प्रत्याशी हैं उनको भी यहाँ पर टिकट नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी। यानी कि साफ है अमित शाह और मोदी की रणनीति कि इस बार जो उनको लगता है जो बेहतर कर सकता है वो उनको अपने तरफ से प्रत्याशी के रूप में सामने खड़ा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी भी एक के बाद एक नए तरीके से सामने आ रही है। करारा जवाब दोनों पार्टियां एक दूसरे को दे रही हैं, साथ ही जो बाकी छोटी पार्टियां हैं वो भी अपने अपने तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है। बीजेपी की जो लिस्ट जो जारी हुई है उसमें हम आपको बता दें कि संबित पात्रा को यहाँ पर उड़ीसा के पुरी से टिकट दिया गया है। और आपको बता दें, जो लोग नहीं जानते होंगे कि संबित पात्रा उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे हैं राजनीति में, इस वजह से उन्हें प्रत्याशी के तौर पर टिकट दिया गया है। संबित पात्रा अपने बड़े बड़े बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपनी अलग अलग नीतियों के लिए जाना जाते हैं। थोड़ा बहुत आपको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं यहाँ पर संबित पात्रा का। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में उड़ीसा की पूरी सीट से पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा को पूरी तरह से प्रत्याशी घोषित किया गया है। पेशे से सर्जन और दिल्ली के एक अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं संबित पात्रा। जी हाँ, 2011 में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए और उसके बाद पूरी तरह से सक्रिय रहे। 2012 में दिल्ली निकाय चुनाव में कश्मीरी गेट से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। हारने के बाद भी बीजेपी के नेतृत्व पर उनकी बड़ी नज़र थी। यानी कि संबित पात्रा को अगर यहाँ पर खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी ने तो सोच समझ के ही खड़ा किया है। बड़ी बात यह है कि स्टेटोस्कोप लेकर ये प्रचार किया करते थे संबित पात्रा, और इनको पूरी तरह से राजनीतिक भाषा में जो सत्ता का जो गलियारा है वहाँ पर डॉक्टर संबित पात्रा के नाम से इनको जाना जाता था। और कहीं ना कहीं संबित पात्रा का एक अलग वर्चस्व इस बार देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पुरी से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन वो अपनी वीवीआईपी सीट बाबा भोलेनाथ की नगरी बनारस से ही लड़ेंगे। वहीं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है। बीजेपी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में अच्छे प्रदर्शन की योजना बना रही है, जहाँ पर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दल फिलहाल सत्ता में हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर
बीजेपी के खाते की सीट, तो पुरी में अब तक भारतीय जनता पार्टी एक भी बार नहीं जीत पाई है। यानी कि इस बार लोकसभा चुनावों में इतिहास बदलने की बारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और साफ है कि संबित पात्रा अगर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। जीत या हार तो हम फिलहाल नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन संबित पात्रा जो एक काफ़ी फेमस चेहरा है नेशनल टेलीविज़न पर, तो लगता है कि यहाँ पर संबित पात्रा को जीत मिल सकती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। आपकी क्या राय है, भारतीय जनता पार्टी ने जो संबित पात्रा को खड़ा किया है वो हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल SPN9 News को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।